ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और रुक करेंगे एक बार फिर शपथ ग्रहण से जुड़ी खबरों की तरफ। शपथ ग्रहण 2 के काउंटडाउन में महज चंद घंटे ही बचे हैं, यानी एक बार फिर से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्ता की गद्दी पर काबिज होंगे। शपथ ग्रहण तो भले ही लखनऊ में है, लेकिन मुख्यमंत्री के गृह जनपद से लगे सभी जनपदों में लोगों के दिलों में योगी आदित्यनाथ को लेकर ऐसी आस्था है कि वो आस्था सड़कों पर, चौराहे पर और मंदिरों में साफ तौर पर देखने को मिल रही है। गोरखनाथ मंदिर के प्रबंधक की तरफ से सैकड़ों की संख्या में भगवाधारी सेना लखनऊ के लिए कूच कर रहे हैं। दर्जनों बसों में सवार होकर ये योगी समर्थक लखनऊ के लिए रवाना हुए हैं। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं योगी के समर्थकों ने शपथ ग्रहण पर उत्साह व्यक्त करते हुए क्या कुछ कहा। बहुत अच्छा लग रहा है, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे पूज्य गुरुदेव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और जो उनके आमंत्रण पर हम लोग वहाँ सभी लोग उनके समर्थक उनके जा रहे हैं। बहुत रियल में बहुत आनंद आ रहा है और मैं तो ईश्वर से ही कामना करता हूँ इसी तरह ही बहुत मजबूती से हमारे योगी आदित्यनाथ जी देश की सेवा करते रहें और इससे भी आगे मुख्यमंत्री पद से भी आगे जाकर राष्ट्र कल्याण का काम हो जीवन भर करें, यही हम लोग का उनके लिए प्रार्थना। हम लोगों के महाराज जी का शपथ ग्रहण दूसरी बार है। पहली बार 5 साल के कार्यकाल में महाराज जी ने देश के लिए प्रदेश के लिए जो ख्याति दिया है वह आज राम राज्य के रूप में विख्यात है और आज हम लोग यही समझ में आ रहा है हम लोग स्वर्ग लोक में हैं और राम का अवतार हुआ है और राम वन से आए हैं। इस वजह से हम लोग मुख्यमंत्री जी के स्वागत में मान के जहाँ चल रहे हैं कि हमारे राम आज राजगद्दी पाने वाले हैं और पूरा देश का कल्याण होगा, विकास होगा। देखिए खुशी का जो अनुभूति हो रही है हम सभी लोगों को कि आज पूज्य महाराज के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार में पुनः 24 करोड़ जनता को क्या लगता है एक मजबूत सरकार मिलने जा रही है। पूज्य महाराज के शपथ ग्रहण में हम लोग भारी उत्साह के साथ जा रहे हैं, हम लोगों को अपने उत्साह का हम लोग वर्णन नहीं कर सकते हैं। देखिए हजारों लोग जा रहे हैं यहाँ से, एक दो नहीं जा रहे हैं, उनके खुशी के लिए जो है उनको खुशी पूरे प्रदेश पूरा जिला मंदिर पर प्रबंधन की ओर से सारे लोग ही जा रहे हैं, उसमें इतना खुशी का इजहार कर रहे हैं कि लोग बेहद खुश हैं। अभी बसें जा रही लगी हुई हैं, अब ये प्रस्थान करने जा रही हैं। ऐतिहासिक पल है और हम लोग के लिए अविस्मरणीय पल है और इसको इसके साक्षी बनेंगे हम सब। तो आपने देखा किस तरह से लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं और गोरखनाथ मंदिर में भी संतों ने पूजा अर्चना की है। गोरखपुर में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, जहां लखनऊ को तो भव्य तरीके से दुल्हन की तरह सजा दिया गया है, लेकिन बाकी जिलों में भी जिस तरह से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है आज पूरा उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं भगवा धारी हुआ पड़ा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से यात्री आज भगवा गमछा भगवा पगड़ी पहने हुए नजर आ रहे हैं, भगवामय नजर आ रहे हैं, तस्वीरों में देखा जा सकता है। तो गोरखपुर में भी भगवा माहौल देखने को मिल रहा है, लोग काफी खुश हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के दोबारा शपथ लेने के मौके पर। और इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता हिमांशु जुड़ चुके हैं गोरखपुर से। हिमांशु, गोरखपुर में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है जनता के बीच, गोरखनाथ मंदिर में भी जिस तरह से पूजा अर्चना देखने को मिली, भव्य आरती देखने को मिली, तो किस तरह देखते हैं इसे? देखिए बता दें कि गोरखपुर में जो है, चूंकि आज योगी आदित्यनाथ कुछ ही समय बाद जो है कुछ घंटों की ही देरी है कि वो शपथ ग्रहण करेंगे और 2.0 की सरकार यहाँ पे शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि गोरखपुर चूंकि योगी आदित्यनाथ का जो है गढ़ है और यहाँ पे लोगों की आस्था है, गोरखपुर ही नहीं पूर्वांचल के सभी जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पे लोगों की योगी आदित्यनाथ में आस्था है। ऐसे में वो आपको बता दें कि गोरखपुर में भी तैयारियां तेजी कर दी गई हैं, उनके स्वागत की भी तैयारी की जा रही है और किस तरीके से कि वो आज शपथ ग्रहण लेंगे उसी के साथ आपको पीछे भी दिखा दें कि जहां पे भी पूरी तरह से गुब्बारों से सजाया जा रहा है चौराहों को, पूरी तरह से लोग यहां पे खुश हैं और जितने भी चौराहे हैं वहां पे चूनाकली की गई है, मंदिरों में गुब्बारे लगाए गए, भगवा गुब्बारे लगाए जा रहे हैं और इसके साथ ही साथ
तमाम लोगों में उत्साह की लहर है। मंदिर में भी पूजा अर्चना की गई है योगी आदित्यनाथ का पूरी तरह से स्वागत के लिए कि किस तरीके से वो दूसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, आज शपथ ग्रहण करेंगे इसके ऐतिहासिक रूप में आने के लिए सभी लोग उत्साहित है और मंदिर में पूरी तरह से पूजा अर्चना की जा रही है। आपको दिखा दें कि यहाँ भी तैयारियां शुरू हो गई, चौराहे पे गुब्बारे लगाए जा रहे हैं और तभी लोग यहाँ पे डिवाइड किया गया है, रोडों को भी डिवाइड किया जा रहा है ताकि भीड़ ना रहे। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद की जा रही है और पुलिस हर जगह चप्पे चप्पे पर नजर रखी हुई है। जी हिमांशु, हमने तस्वीरों में भी देखा बस में जिस तरह से यात्री थे, आज भगवा गमछा पहने साथ ही भगवा पगड़ी में भी नजर आए, तो काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, हर तरफ भगवा माहौल देखने को मिल रहा है। लखनऊ ही नहीं गोरखपुर में भी काफी भगवामय माहौल हो गया है, क्या कहेंगे? देखिए गोरखपुर में चूंकि योगी आदित्यनाथ की सबकी आस्था है, मंदिर से भी आस्था है, योगी आदित्यनाथ के प्रति भी आस्था है, वो शुरू से ही यहाँ पे सांसद रहते हुए जुड़े हुए हैं, जमीनी रूप से सबके बारे में जानते रहे हैं और सबकी दुख सुख में खड़े रहे हैं, ऐसे में सब बहुत उत्साहित है यहाँ पे और दूसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ और ये ऐतिहासिक जीत भी है। इसी के साथ सब लोग खुश है कि दूसरी बार ये पहली बार ऐसा हुआ है यूपी में, कई साल का रिकॉर्ड टूट गया है, रिकॉर्ड टूटा है कि कोई सरकार दोबारी बना सके कोई पार्टी। हिमांशु, अगर बीजेपी कार्यालय की बात करें गोरखपुर में तो कैसा माहौल है, क्योंकि 75 जिलों में आज एलईडी स्क्रीन लगाई गई है हर एक बीजेपी कार्यालय में, गोरखपुर का क्या हाल है? देखिए गोरखपुर के जो मुख्यालय है यहाँ पे क्षेत्रीय कार्यालय है भाजपा का, वहाँ पे पूरी तरह से एलईडी स्क्रीन लगा दी गई है, भगवा में गुब्बारे लगाए गए हैं, फूलों से पूरा डेकोरेशन हुआ है, चूनाकली की गई है और सब लोग उत्साहित है और कार्यकर्ता वहाँ पे अब से खड़े हैं कि कब होगा योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण और इसी के साथ वो देखने के लिए वो एकदम उत्साहित होकर के वहाँ खड़े हैं। जी तो क्या आज सड़क चौराहों पर भी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है ताकि जो जनता है आम जनता है वो इस भव्य समारोह को देख सके? देखिए हम आपको दिखा दें कुछ ही दूर पे हमसे चौराहे पे स्क्रीन लगाई गई है, एलईडी स्क्रीन काफी बड़ी है और इस स्क्रीन को लगा करके इसके साथ ही साथ यहाँ पे ताकि उस शपथ ग्रहण का समारोह का जो है साक्षी गोरखपुर भी बने, इसको पूरी तरह से सरकार के जितनी भी नई सरकार बनेगी उसके लिए पूरे शपथ ग्रहण का पूरा चाक चौबंद व्यवस्था प्रशासन कर लिया है। जी कार्यकर्ताओं को भी दिशा निर्देश दिया गया है कि वो पूजा अर्चना करें शपथ ग्रहण से पहले, तो गोरखपुर में कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, क्या पूजा पाठ करते कार्यकर्ता भी नजर आए? जी गोरखपुर में कार्यकर्ता भी पूजा अर्चना कर रहे हैं, मंदिरों को सजा दिया गया है पूरी तरह से और उस वहाँ पे शिवालयों को सजा दिया गया है, पूजा अर्चना आरती हो रही है, घंटे घड़ियालों की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है। इसके साथ ही गोरखनाथ मंदिर में बताएं कि द्वारिका तिवारी की अगुवाई में वहाँ पे पूजा अर्चना की गई है और पूरी तरह से शंखनाद किया गया है और योगी आदित्यनाथ के दूसरी बार शपथ ग्रहण करके मुख्यमंत्री बनने के उत्सव पे सब एकदम हतोत्साहित है। जी हिमांशु, जिस तरह से पूजा अर्चना की जाई है गोरखनाथ मंदिर में, काफी आस्था देखने को मिलती है वो आम जनता की हो या खुद सीएम योगी आदित्यनाथ की हो, सीएम योगी आदित्यनाथ आते खुद पूजा अर्चना करते हैं, तो किस तरह की आरती का और पूजा अर्चना का आयोजन किया गया है मंदिर में? देखिए पहले तो यहाँ पे गोरखनाथ मंदिर में भगवान गोरखनाथ का जो है पूजा किया गया, इसके साथ ही साथ वहाँ पे शिव भगवान की पूजा अर्चना की है, आरती की गई है और शंखनाद किया गया है, घंटे घड़ियाल बजाए गए हैं और भगवान से उन लोगों ने माना है कि योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण कर रहे हैं, इसके साथ ही फिर से 24 में भी सरकार आए और योगी आदित्यनाथ का वर्चस्व बढ़े। जी हिमांशु, हम आपके पीछे देख सकते हैं कि भीड़ इकट्ठा है, वो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं, हम चाहेंगे उनसे बात करें, आज जिस तरह से दोबारा शपथ ग्रहण करें सीएम योगी आदित्यनाथ तो उनके मन में कितनी खुशी है, उत्साह है, वो भी जानने की कोशिश करें। देखिए बात करते हैं, आप ये बताइए आप यहाँ खड़े हैं और योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण करेंगे दूसरी बार करेंगे, कैसा लग रहा है आपको, क्या उत्साह है? मुझे बहुत ही खुशी है और मैं अपने देश के लिए और पूरे भारतवासियों के लिए एक ही बात कहूंगा कि अगर भारत में रहना है तो भगवा रंग ही सबको लेके रहना पड़ेगा, क्योंकि भगवे रंग में वो सच्चाई है जो सच्चाई पूरी दुनिया जानती है, मैं बस इतना ही कहूंगा। जय हिंद जय भारत, देश प्रदेश की विकास है कि नहीं? बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम लोग के शहर के खुद ही सीएम है, देश के पीएम मोदी जी हैं, अच्छा विकास की गंगा बह रहा है पूरा। क्या लगता है कितना विकास हुआ है सीएम योगी के रहे? मतलब 75% विकास हो चुका है, 25% और रह गया है जो इस 5 सालों में पूरा करके सारे भर्ती नौकरी जो भी है इस समय 6 महीने के अंदर सारी भर्ती हो जाएंगी सारी। तो लोग उत्साहित है, ये आम जनता थी, ना कोई कार्यकर्ता है ना कहीं कोई पार्टी का है मिल रही है। हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप
जनता जो मौजूद है आपके पीछे, उनसे ये जानिए कि क्या उन्होंने भी बीजेपी को वोट दिया था, क्योंकि देखने को मिल रहा था कि कुछ बीजेपी के पक्ष में थे तो कुछ विपक्ष में थे, लेकिन आज जो खुशी है वो क्या पक्ष विपक्ष दोनों के ही लोगों में है? अच्छा, आपसे हम बात करना चाहेंगे कि आप वोट दिए थे मोदी जी को, योगी जी को? कैसा उत्साह लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा, हाँ बनना, बहुत बहुत खुशी की बात है, बहुत वो करेंगे, इसके बाद ही वो आएंगे। ऐसे में कैसा आपका उत्साह रहेगा? अच्छा लग रहा सर, अच्छा लग रहा सर जी, अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा, बहुत ही अच्छा लगेगा। ये लोग की प्रसन्नता है, इन लोग के दिल में खुशी है, उमंग है, आम जनता है जी। हिमांशु, आम जनता ने भी जिस तरह से अपने प्रिय मुख्यमंत्री को जिताने के लिए यज्ञ पूजन करते हुए भी लोग नजर आए थे, ऐसी तस्वीरें भी सामने आई थी कि लोग पूजा अर्चना कर रहे थे, साधु संत समाज के लोग भी पूजा अर्चना कर रहे थे, यज्ञ हवन किया था, तो आज वो सब सच हो गया है, सबकी प्रार्थना सच हो गई है, तो साधु संत समाज में कितनी खुशी है? क्योंकि राम मंदिर मुद्दा पूरे चुनाव में रहा है, ऐसे में आस्था का केंद्र चूंकि गोरखनाथ मंदिर है, मठ का और नाथ संप्रदाय का काफी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल ही नहीं पूरे देश में कहीं ना कहीं नाथ संप्रदाय का बहुत पैठ है, ऐसे में पूरे जितने भी साधु संत हैं उनमें पुजारी हैं उनके में बहुत ज्यादा उत्साह की लहर देखी जा रही है और वो बहुत खुश हैं और वो पूजा पाठ करवा रहे हैं, जिसमें कार्यकर्ता भी जा रहे हैं और खुद पूजा पाठ करा रहे हैं, शिवालयों में जो है रुद्राभिषेक कराया जा रहा है ताकि योगी आदित्यनाथ का परचम पढ़े जी। अगर बात करी जाए कार्यकर्ताओं की, तो कार्यकर्ताओं ने भी काफी मेहनत करी है और आज वो सब समर्थन में नजर आ रहे हैं, उनमें भी काफी खुशी देखने को मिल रही है। और जिस तरह से आज अहम दिन है, मंत्रिमंडल का जो बैठक हो रही है, विस्तार होगा और मुख्यमंत्री का भी चयन के साथ साथ उप मुख्यमंत्री के नाम पे मोहर लगेगी, तमाम चीजें हैं, तमाम प्रक्रियाएं चल रही हैं, तो विधायक, सभी विधायकों को आमंत्रित किया गया है, कौन कौन से विधायक हैं जो कि गोरखपुर से पहुंच चुके हैं लखनऊ? देखिए, गोरखपुर से सभी विधायक पहुंच चुके हैं, यहाँ से निषाद पार्टी के अध्यक्ष जो हैं उनको भी शपथ ग्रहण में रहना है और उनको भी कोई ना कोई कैबिनेट में पद मिलना है, मंत्री पद मिलना है संजय निषाद को, और इसके साथ ही सांसद रवि किशन भी चले गए हैं, फतेह बहादुर सिंह जो यहाँ पे कैंपियरगंज से विधायक चुने गए हैं इस बार हुए हैं वो भी चले गए हैं, इसके साथ ही जितने भी विपिन सिंह हैं ग्रामीण से वो भी वहाँ पहुंच चुके हैं लखनऊ में, सारे विधायक यहाँ से जा चुके हैं और सबको ये है कि किसके पास फोन आता है कि आप कैबिनेट का हिस्सा है, आप मंत्री पद की शपथ लें जी, इसी के लिए सभी कैबिनेट के मंत्री बनने के लिए जो फोन कॉल है उसका इंतजार कर रहे हैं, सभी सीएम आवास पहुंच भी रहे हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए, हर एक खबर पे अपडेट बनाए रखिए और जानकारी देते रहिए हिमांशु। तो गोरखपुर में भी खुशी की लहर है और जनता काफी खुश है, मंदिर भी जा रही है, सुबह से पूजा अर्चना की जा रही है महंतों और पुजारियों द्वारा, वरिष्ठ महंत और पुजारी विशेष पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, गोरक्षनाथ मंदिर में शंखनाद हो रहा है और पूजा अर्चना करी जा रही है। जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ आज दोबारा दूसरे कार्यकाल की शपथ लेंगे, उससे पहले भव्य पूजा अर्चना की जा रही है, हालांकि बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को भी 12 सूत्री दिशा निर्देश दिए थे कि वो भी शपथ ग्रहण से पहले पूजा अर्चना करें, और कुछ ऐसा ही देखने को मिल भी रहा है मंदिरों में, सिर्फ गोरखनाथ मंदिर में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के मंदिरों में कार्यकर्ताओं द्वारा पूजा अर्चना कराई जा रही है। ये तो मंत्र उच्चारण हुआ है, विद्यार्थी मंत्र भी हैं, गोरखनाथ जी पूजा पाठ कर रहे हैं, खुशी में पूजा पाठ कर रहे हैं, ये तो महात्मा आए, विद्यार्थी भी आए हैं, जनता भी आए हैं, बहुत खुशी में मना रहे गोरखपुर वाले, पूरा खुशी मना रहे हैं, बहुत बहुत उत्साह है, बहुत उत्साह है, और पूरा उत्साह है, पूरा जनता है उत्साह, तो आप देख रहे हैं हम लोग खुशहाली में, साधु संत मंदिर कर्मचारी सारे लोग जो है भगवान गोरखनाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी अगले 5 वर्ष के लिए देश समाज के लिए, समाज जनता के लिए हर दृष्टि से कार्य करें, जनता खुशहाल रहे, राम राज्य की स्थापना की कल्पना पूरा हो, देश का विकास हो, सारे लोगों की जो है ये हम लोग भगवान गोरखनाथ जी से प्रार्थना कर रहे हैं, महाराज जी अपने कार्य में सफल। इसी खबर पे हमारे साथ संवाददाता हिमांशु जुड़े हुए हैं गोरखपुर से। हिमांशु, जिस तरह से संत समाज में काफी खुशी है और हिंदुत्व का बढ़ावा माना जाता है, जिस तरह से बीजेपी खासतौर से योगी आदित्यनाथ एक बड़ा चेहरा है, मठाधीश भी रहे हैं, गोरखनाथ मंदिर से जुड़े हुए हैं, तो साधु संत समाज में भी काफी खुशी की लहर है और एक जिस तरह का सम्मान दिया है इस शपथ ग्रहण समारोह में साधु संतों को बुला के, तो किस तरह से देखते हैं जो इतनी खुशी है साधु संत समाज में, क्या कहेंगे?
की लहर है। अयोध्या में भी राम मंदिर, वहां के भी महंतों को बुलाया गया है, गोरखनाथ मंदिर से भी बुलाया गया है, इसके साथ जितने भी मठाधीश हैं उनको बुलाया गया है और साधु संतों को, कई जो पुजारियां हैं उनको बुलाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार महिलाओं पर ज्यादा जोर दिया है शपथ ग्रहण में, क्योंकि पीएम मोदी भी कहते रहे कि यो जितनी महिलाएं हैं वो हमारी साइलेंट वोटर हैं, ऐसे में सभी को एक तरीके से और जातिगत समीकरण को भी जुटाने का प्रयास किया है और 24 की रणनीति तैयार की है शपथ ग्रहण के साथ और अपना दल बल दिखाया है। आपको बता दें कि इस बार पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ और भाजपा पूरी तरह से अपना बल दिखाना चाहती है, क्योंकि इस बार जो वोट बैंक था सपा से और भाजपा के बीच में जीत का वो भी 90 लाख के आसपास था जो अंतराल था जीत हार का सपा का और भाजपा का। बिल्कुल हिमांशु, जिन बड़े चेहरों को बुलाया गया है सभी मंदिरों से, वो चाहे मथुरा हो, आगरा हो, काशी हो, उज्जैन हो, सभी बड़े साधु संत समाज के चेहरों को बुलाया गया है, गोरक्षनाथ मंदिर से कौन मौजूद रहेगा शपथ ग्रहण समारोह में? गोरखनाथ मंदिर से आपको बता दें कि द्वारिका तिवारी जो है प्रबंधक हैं वो रहेंगे, उसके साथ ही कमलनाथ, जो कि आज कमलनाथ ने पूजा अर्चना का ही मुख्य पुरोहित हैं, वो भी वहां पे मौजूद रहेंगे, उनको भी बुलाया गया है। आपको बता दें इसके साथ ही साथ, चूंकि पिछले बार भी आपको बता दें जब योगी आदित्यनाथ जीत करके गए थे तो उन्होंने अपने आवास का कालिदास ने जब प्रवेश करना था उसके पहले ही गंगा जल से धुसे धुलवाया था, पूजा अर्चना की थी, उसे भी कमलनाथ ने ही करवाया था, तो कमलनाथ तिवारी जो है वो पूरी तरह से वहां मौजूद रहेंगे। हिमांशु, साधु समाज के जो बड़े चेहरे जा रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि मंत्रोच्चारण भी करेंगे, शंखनाद भी करेंगे जब सीएम का शपथ ग्रहण होगा, तो क्या वो उपहार स्वरूप भी कुछ ले जा सकते हैं? क्योंकि सीएम जब पद ग्रहण करेंगे तो मंदिर से उनके लिए कुछ उपहार जा सकता है क्या? जी, मंदिर से जो है उपहार जाना है और इसके साथ ही साथ चूंकि वहां पे रामायण को दिया जाएगा और साल उनको पहना करके बधाई संदेश दिया जाएगा, लेकिन ये शपथ ग्रहण के बाद जो है उनके आवास पे पहुंचे पे उनको किया जाएगा, पूरी तरह से सम्मानित किया जाएगा। जी, तो जिस तरह से बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं उनके रुकने का इंतजाम किया गया है, रात्रि भोज का भी इंतजाम किया गया है, क्या इसमें संत समाज के लोग भी शामिल रहेंगे? जी, संत समाज के लोग पूरी तरह से शामिल रहेंगे, गोरखपुर से ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश से संत समाज के लोगों को बुलाया गया है, वो सभी शामिल रहेंगे और बड़े हर्ष के साथ है, क्योंकि उनको लगता है कि इस बार राम के बाद अयोध्या के बाद काशी, अयोध्या और मथुरा की बारी है, मथुरा पे भी वो चाहते हैं कि मंदिर का निर्माण हो, भव्य मंदिर का निर्माण हो, ऐसे में योगी आदित्यनाथ के दोबारा जीतने के साथ ही उनके में एक उत्साह, एक लहर है, एक उमंग है जो जाग गई है। जी हिमांशु, अगर देखा जाए तो सिर्फ हिंदू चेहरा होने की वजह से ही नहीं बल्कि गैर हिंदुओं का भी काफी वोट मिला है, समर्थन मिला है, वो चाहे मुस्लिम महिलाएं हों, मुस्लिम बड़े युवा हों या फिर बाकी अन्य दलों के लोग हों, या फिर अगर हम बात करें हर जाति धर्म विशेष के लोगों का समर्थन मिला है योगी आदित्यनाथ को, सभी में खुशी की लहर है, किस तरह देखते हैं इस समर्थन को? देखिए, हम आपको पहले ही बताए हैं, आप दर्शकों को भी बता देना चाहते हैं कि पीएम मोदी भी हमेशा कहें और योगी भी कहें कि महिलाएं जो हैं वो हमारी साइलेंट वोटर हैं, वो मुस्लिम महिलाएं भी है, चूंकि 3 तलाक का मुद्दा रहा है, इसके साथ हिजाब का मुद्दा रहा है, ऐसे में वो साइलेंट वोटर जो है उनका सम्मान किया गया, उनको भी बड़ी तादाद में महिलाओं को बुलाया गया है। जी, अगर महिलाओं की बात करी जाए तो गोरखपुर से कौन कौन सी बड़ी महिला चेहरा है बीजेपी की? देखिए, यहाँ से मेयर जा रही हैं पुरानी, वो जा रही हैं और इसके साथ ही साथ कई ऐसे भाजपा से जुड़ी हुई महिलाएं हैं जो आज बस के द्वारा निकली हैं, एकदम जत्थे से मंदिर से उनका रवानगी हुआ है और सुबह सुबह वो रवानगी के साथ ही जय घोष के नारे के साथ सैकड़ों की तादाद में निकले हैं, जिसमें कम से कम 50 से 60 महिलाएं यहाँ से गई हैं। जी, कार्यकर्ताओं की बात करी जाए तो हर जिले से कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, दो दो कार्यकर्ता तो मौजूद रहेंगे ही, तो गोरखपुर से कौन कौन से ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पहुंच रहे हैं? अपना प्रश्न दोहराएं। जी, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से कार्यकर्ताओं को निमंत्रण भेजा गया है, हिमांशु, हर जिले से कम दो दो कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दौरान, तो गोरखपुर से कौन से कार्यकर्ता मौजूद रह सकते हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, गोरखपुर से सांसद के साथ जो है, विधायक के साथ ही जितने कार्यकर्ता हैं, आशीष गुप्ता हैं जो यहाँ पे मंत्री हैं इसके गोरखपुर भाजपा के और भाजपा मंडल के, और इसके साथ ही साथ विश्वजीत सिंह हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए हिमांशु, और जानकारी के लिए, हर खबर पे नजर बनाए रखिए, हमें अपडेट देते रहिए। हमारे साथ संवाददाता हिमांशु जुड़े थे गोरखपुर से, तो गोरखपुर में भी शपथ ग्रहण की धूम देखने को मिल रही है और सब भगवामय नजर आ रहे हैं, जनता भी काफी खुश है क्योंकि सबकी आस्था गोरक्षनाथ मंदिर के साथ सबसे, योगी आदित्यनाथ भी काफी मानती है जनता योगी आदित्यनाथ को, और इसीलिए माना जा रहा था कि वहां से हराना तो संभव नहीं है सीएम योगी को, क्योंकि
जिस तरह से एक लोगों का प्रेम देखने को मिलता है सीएम योगी के लिए, तो वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिला है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाएगा क्योंकि शपथ ग्रहण से जुड़ी हर एक अपडेट आपको देंगे पल पल की। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।